सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को उड़ीसा राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किया है। आइए जानते हैं महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये एक जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। दरअसल महेंद्रगिरी पर्वत भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह लगभग 1501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में उड़ीसा राज्य की सोरा जनजाति निवास करती है, जो कांधा जनजाति के साथ विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है। गौरतलब है कि उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था। आइए जानते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सिमली शब्द को उड़ीसा में वृहद रूप से पाए जाने वाले एक पेड़ के नाम से लिया गया है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। भारत सरकार ने सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1994 में दिया था। यह बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में टाइगर और हाथी के अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ एरेगा और मनकिर दिहाय नाम के दो प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। आइए जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर अथवा जैव मंडल रिजर्व में वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, रखरखाव, प्रबंधन तथा पुनर्स्थापन इन सीटू संरक्षण विधि के तहत किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। बायोस्फीयर रिजर्व तीन भागों में विभाजित किया जाता है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत प्राकृतिक क्षेत्र के विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से की है। बायोस्फीयर रिजर्व का चुनाव राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत तय न्यूनतम मापदंड पाए जाते हैं एवं वे बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं। आइए जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए मानदंडों को। प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिए। संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए जो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पौष्टिकता स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की आबादी को संभाल सके। प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानीय समुदायों की भागीदारी या सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को आपस में जोड़ते समय प्रबंधन और संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सके। वह क्षेत्र जिनमें पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन व्यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण का सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जा सके। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।